ठाकुर जी हमारे साथ में हैं, बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी कर रहे हैं और राज्य राजनीति की दौर छोड़ो ऊपर जाएगी। ये विकास की उड़ान है, लगातार आगे बढ़ती जाएगी, विकास की उड़ान रुक ना पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने डबल इंजन की सरकार चुनी है। योगी जी मोदी जी की सरकार लगातार आगे बढ़ती रहेगी, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाती रहेगी, गरीबों को पक्के मकान बनाकर देती रहेगी, गरीबों को बिजली के कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में राशन भी दिया है, पानी की सुविधा भी दी है और बच्चों को शिक्षा भी दी, बहु बेटी को सुरक्षा का अधिकार भी दिया। आगे भी इसको रुकने ना देंगे, निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले भी सब इकट्ठे हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ईमानदारों को चाहती है, अपराधियों को नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता विकास करने वालों को चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है, जिसने गरीब कल्याण के कार्य किए और गुंडा राज माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश को किया है। अंतिम प्रश्न है, 300 पार का नारा है, क्या लगता है 2022 में 300 पार होगा? जनता ने पहले भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई, आगे भी ट्रिपल सेंचुरी लगा कर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे अनुराग ठाकुर जी, जिनका कहना है कि इस बार 2022 में भी बीजेपी 300 पार करेगी। और जैसा कि आपने देखा, बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस बार बीजेपी 300 पार की सरकार बनाएगी, 300 प्लस सीटें आएंगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।